CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, एक ऐसा नाम जिसके ऊपर आज हर भारतीय को गर्व है। CLW ने काम ही कुछ ऐसा किया है जिसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। एक फाइनेंशियल ईयर में इस लोकोमोटिव फैक्ट्री ने करीब 402 से भी अधिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये तो एक फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्ट है, उसको दर्शाया गया है, पर 2019 में इस लोकोमोटिव फैक्ट्री ने करीब 446 लोकोमोटिव बनाया है, जो कि अकल्पनीय है। एक कैलेंडर ईयर में 365 दिन ही होते हैं, और अगर वर्किंग डेज की बात करें तो ये और भी कम होता है। अगर संडेज और बाकी हॉलीडेज को भी हम इसमें से निकाल दें तो करीब 300 दिन ही बचते हैं वर्किंग डेज में। ये और भी कम हो सकता है, पर अगर आंकड़े को देखा जाए तो CLW ने 88 दिनों में करीब 100 लोकोमोटिव्स बनाए हैं, और करीब 400 लोकोमोटिव्स बनाने में 292 दिन का समय लगा है। ये सच में सोचने वाली बात है कि हर एक दिन CLW में एक नया लोकोमोटिव तैयार हो जाता है और दूसरे लोकोमोटिव का करीब 300% काम भी पूरा हो जाता है। इस अद्भुत लोकोमोटिव फैक्ट्री की इस महान सफलता को तो आपने देख ही लिया, आइए इस लोकोमोटिव फैक्ट्री के इतिहास के बारे में भी कुछ जान लें। 1947, ये साल भारत की आजादी तो लेकर के आया ही, साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां भी लेकर के आया, क्योंकि एक संपूर्ण और समृद्ध देश बनाना इतना आसान नहीं होता। बात करें रेलवे की तो आजादी के पहले भारत में ट्रेन चलती थी, इंजन्स भी थे, पर वो सभी बाहर से लाए जाते थे, और ब्रिटिशर ये नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर कोई लोकोमोटिव फैक्ट्री हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनीज को इसका नुकसान झेलना पड़ता। इसलिए लोकोमोटिव्स भारत में बाहर से आते थे, पर भारत के अंदर बस इनका रखरखाव करने के लिए शेड बनाए गए थे। खैर, आजादी के बाद एक नए भारत की नींव रखी गई और वेस्ट बंगाल के आसनसोल में एक लोकोमोटिव फैक्ट्री की स्थापना की गई। वो वक्त था 26 जनवरी 1950 का, जब भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे इस लोकोमोटिव फैक्ट्री में स्टीम इंजन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। तब इस फैक्ट्री को लोग लोको बिल्डिंग वर्क के नाम से जानते थे, पर उसी साल 1 नवम्बर को जब इस फैक्ट्री से पहला स्टीम इंजन निकला, इस लोकोमोटिव फैक्ट्री का नाम लोको बिल्डिंग वर्क से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देश बंधु चितरंजन दास जी के ऊपर रख दिया गया। और उसी वक्त जो CLW के पास मिहिजाम रेलवे स्टेशन था, उसका नाम भी चितरंजन रख दिया गया। इसके बाद 1968 से CLW ने डीजल लोकोमोटिव बनाना शुरू किया, और 1972 में स्टीम इंजन का जो प्रोडक्शन था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। डीजल इंजन के बनने का सिलसिला भी 1993 में टूट गया, और इसके बाद CLW का पूरा फोकस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे ही केंद्रित रहा और आज भी है। भारतीय रेलवे में ज्यादातर WP5, WP7 और WAG9 लोकोमोटिव CLW ने ही बनाया है। CLW ने हर उस जरूरत पे काम किया है जो इंडियन रेलवे को आगे ले जाए। चाहे बात करें एयरोडायनेमिक WP5 की, 200 की रफ्तार छोड़ने वाले हाई स्पीड WP5 की, 9000 HP के पावरफुल लोकोमोटिव्स की, लॉन्ग हॉल ऑपरेशन के लिए स्पेशल लोकोमोटिव्स की, DFC में इस्तेमाल होने वाले हाई रेस पैंटो की, बेहद जरूरी हेड ऑन जनरेशन टेक्निक की, मल्टीपल ऑपरेशन वाले पुशपुल युक्त WP5 की, हर तरह से CLW ने अपना काम बखूबी निभाया है। और सिर्फ यही उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि बहुत सारी उपलब्धियां और भी है जिनके बारे में एक वीडियो के अंदर बताना मुश्किल होगा। खैर, यहाँ जरूरत है CLW के हर उस कर्मचारी को धन्यवाद कहने की जिन्होंने दिन रात मेहनत करके CLW का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही साथ हमारे देश के नाम को भी राष्ट्रीय स्तर पे प्रशंसा दिलाई है। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।